नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले 8.5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए अनेक कदम नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानव हस्तक्षेप को कम करके आम जनमानस को उनके घर द्वार पर सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे एक और जहां भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, वहीं प्रशासनिक कामों ने भी गति पकड़ी है और पुरानी जर्जर व्यवस्था में परिवर्तन आया है। परिणाम स्वरूप आज प्रशासन स्मार्ट यानी सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट बना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक से सीधा संवाद कर रहे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से उनके अनुभवों को भी जाना। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएससी संचालकों से योजनाओं के लिए डेटा अपलोड करने से संबंधित जानकारी मांगी तो कुछ सीएससी संचालकों ने कहा कि कई बार उनके स्तर पर पोर्टल पर डाटा दर्ज करने में गलती हो जाती है, इससे पात्र लाभार्थी को देरी से लाभ मिलता है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि सीएससी स्तर पर अपलोड किए गए डाटा में किसी प्रकार की गलती होती है तो उस गलती को 48 घंटों के अंदर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सेवाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा सीएससी संचालकों ने 60 वर्ष की आयु से अधिक नागरिकों की आयु सत्यापन का विषय भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 58 से 60 वर्ष की आयु की सत्यापन की प्रक्रिया सुगमता से चल रही है और 60 वर्ष आयु वर्ग से अधिक की सत्यापन प्रक्रिया भी सरकार जल्द शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार सबसे आगे है। इसी दिशा में राज्य सरकार परिवार पहचान पत्र बनाकर पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। सीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया विजन को सफल बनाने के लिए इज ऑफ लिविंग की दिशा में हरियाणा सरकार जनता को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इस कार्य में कॉमन सर्विस सेंटर का काफी सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि सुशासन के नाते से कदम और आगे बढ़ाते हुए परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में उपलब्ध डाटा को उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों को दी जाने वाली देखभाल की जिम्मेवारी सौंपी है। 6 वर्ष तक की आयु के समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके। भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र में जा रहा हो या ना, फिर 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक की आयु समूह को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है ताकि विभाग यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित ना रहे। हरियाणा के मेरे ऐसे साथियों जो हमारे साथ सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, ऐसे सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज जो वर्ग मेरे सामने है वो केवल लाभार्थी नहीं है बल्कि जनता तक हमारी सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता के भी एक प्रकार से वो सहयोगी हैं कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी काम के लिए हमने सीएससी को चुना है ताकि हमारे सब विभागों की लगभग 550 सेवाएं आप लोगों तक पहुंचा सकें। मित्रों, इस काम में जो सफलतापूर्वक आप ये सब काम कर रहे हैं, इसमें एक सिस्टम का हम सब उपयोग कर रहे हैं। उस सिस्टम को बनाने के लिए केंद्र सरकार से ये सीएससी का प्रोग्राम ये बहुत ही लाभदायक हुआ है। आप लोग अपने भी धन उपार्जन के लिए, अपने भी एक प्रकार से रोजगार के लिए इस काम को जब अपनाया था तो शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि ये सेवाओं के माध्यम से आप उतना पैसा शायद अर्न नहीं कर सकेंगे। हमने कुछ सरकारी सेवाएं भी आपको उस समय दी थी, लेकिन धीरे धीरे इन सेवाओं का जैसे जनता उपयोग करने लगी तो उसके जो चार्जेस थे उसका सीधा सीधा लाभ आपको भी होने लगा। और जो मेरी जानकारी है, लगभग 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक भी मासिक कमाने वाले और हमारे सीएससी सेंटर्स हैं। ऐसे मौके पर कभी कभी हमको शिकायतें भी मिलती हैं कि जो निश्चित चार्जेस तय किए गए हैं कभी कभी उनसे ज्यादा चार्ज लेने की भी बात कुछ लोग करने लगे हैं।
मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ सीएससी से ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि जो जनता इससे लाभान्वित होने वाली है वो गरीब जनता है, और उस गरीब जनता से जितना पैसा निर्धारित किया गया है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा उससे हम नहीं लेंगे। और निश्चित रूप से इससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया का ये जो अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो गति पकड़ी है, इसका उल्लेख न केवल अपने यहाँ देश में है, बल्कि दुनिया के देश भी ये मानने लगे हैं कि इस गति से जो डिजिटल इंडिया का अभियान आगे बढ़ रहा है, बहुत से देश तो इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए भी आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल जुलाई माह में जो डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने नए नए प्रयोग शुरू किए। एक प्रयोग अभी परिवार पहचान पत्र, ये हमने किया है, और इस परिवार पहचान पत्र का जो लाभ है हरियाणा की जनता को जैसे मिल रहा है, इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में जब हुई तो उन्होंने भी इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास आने लगे हैं। बहुत प्रदेशों ने अपने यहाँ इसको रेप्लीकेट भी किया है, परिवार पहचान पत्र को भी बनाने लगे हैं। न केवल देश में बल्कि बाहर से भी लोगों की एक जानकारी लेने की इच्छा जगी है कि परिवार पहचान पत्र क्या है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने लोगों के राशन कार्ड बनाए, हमने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ पहुंचाया, हमने वृद्धावस्था पेंशन, ये लोगों की अपने आप बने 60 वर्ष की आयु के बाद सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े, कोई दरखास्त न देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके न चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग वो कर रहा है, और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया, और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है, इसमें 75 लाख लोगों का और एक प्रकार से आयुष्मान चिरायु योजना के कार्ड ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ निरोगी हरियाणा योजना ये भी हमने शुरू की, ताकि हर गरीब परिवार के सदस्य का उसकी जो जांच है वो जांच भी अस्पतालों के माध्यम से, हमारे डिस्पेंसरी सीएससी उनके माध्यम से जांच होनी शुरू हो, ताकि उसके टेस्ट, एक उसका जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर वो बनना शुरू हो, और उसका रिकॉर्ड हर व्यक्ति के इलाज के समय उसका स्वास्थ्य कार्ड का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो काम आएगा, ताकि उसको प्रारंभ में ही इस जांच के माध्यम से जो लाभ होता है उसका भी एक उल्लेखनीय योगदान आपका है। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे बीपीएल परिवारों को ये जो सब लाभ पहुंचा रहे हैं, इन लाभ को पहुंचाने में अपना अपना जो योगदान है। हमारे यहाँ एक कल्पना की गई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि योजनाएं तो गरीब के लिए बनती थी, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए गरीब को छोड़ करके बाकी लोग जो थोड़ा दबंग वृत्ति के होते थे, जो योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत ही माहिर होते थे, वो सब जाकर के योजनाओं का लाभ उठाते थे और गरीब आदमी पंक्ति में खड़ा रह जाता था। लेकिन अब चूंकि हर निश्चित व्यक्ति को उसका लाभ ये अंकित है कि इसको क्या मिलेगा, उसको सूचना दी जाती है कि ये लाभ आपको मिलेगा, उस लाभ को लेने के लिए वो आता है और आपके यहाँ सीएससी सेंटर्स पर वो सूचना देता है, और उसके हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म उसका भर के दे देते हैं। एक बहुत बड़ा लाभ उसको होता है, हमेशा सीएससी की तरफ वो देखता रहता है, जब भी उसको योजना को लेनी होती है उसका ध्यान सीएससी की तरफ जाता है। सीएससी का काम एक प्रकार से हमारे यहाँ भले ही नया है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ गया है। वो आपकी दुकान को सीएससी के नाते से जानता है। हमने अटल सेवा केंद्र आस्क नाम से भी उसका नाम प्रचलित करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जब भी पूछो कि कोई सेवा कहाँ मिलेगी, सीएससी पर मिलेगी, तो सीएससी का मान सम्मान ये बहुत बढ़ गया है। इसका जो लाभ उनको निरंतर ऑनलाइन मिलता रहे, इसलिए आपकी व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी, उस व्यवस्था के नाते से आप लोग जो उनकी सेवा करेंगे, और इस नाते से जो जानकारी मुझे दी गई है कि लगभग 30 से 35,000 सीएससी के ऊपर ये सेवा उनको दी जा रही है। आप लोग साक्षरता के अभियान को चलाने वाले एक प्रकार से डिजिटल सक्षम भी हैं और साथ में साक्षर भी हैं। साक्षर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार से काम करता है तो उसका निश्चित रूप से लोगों में एक सम्मान बढ़ता है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।